दोस्त कैसे हो भाई, स्वागत है भाई आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। एंड भाई पीछे वाली वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया था भाई, आज फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं वॉक्सवैगन की जीटी लाइन 1.0 यानी कि 1 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड इसकी अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस स्टार्ट होगा भाई 14,05,400 रुपये से। इस बीच इसके अंदर क्या क्या नए अपग्रेड हुए हैं उनकी बात करते हैं, फ्रंट से बात करते हैं सबसे पहले तो कि फ्रंट में क्या क्या चेंज हुए हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना भाई, वीडियो को कंप्लीट देखना, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ जो है 1 लीटर के अंदर भी चेंज होकर आई है, क्या क्या हमें इसके अंदर अब देखने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के फटाफट से चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वन लीटर TSI इंजन में भाई हमें 999 cc का जो है इंजन देखने को मिलता है, 115 PS की पावर देखने को मिलती है एंड 178 Nm का वहीं इसके अंदर टॉर्क मिलता है। 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। DSG सिर्फ जो आता है वो अपना 1.5 लीटर एक DSG गियरबॉक्स आता है अपना GT लाइन का, उसके अंदर ही जो है आपको 7-speed DSG गियरबॉक्स देखने को मिलता है, अदरवाइज इसके अंदर आपको जो है 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ही देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से, सेम एज इट इज स्टार्ट करते हैं भाई इसकी चाबी से। चाबी कुछ इस प्रकार की है, दोनों की दोनों अपने को फ्लिप फोल्डेबल मिलेंगी, जिसमें आपको भाई लॉक अनलॉक एंड ये डिग्गी ओपन के लिए मिलेगा। सामने की तरफ में से क्या क्या चेंज किया वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी ग्रिल जो पहले क्रोम में देखने मिलती थी वहाँ अब इसके अंदर ब्लैक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया गया है। लोगो भाई ऑलरेडी मतलब पहले ही तरह अट्रैक्टिव लगता है, यह वॉक्सवैगन का प्रीमियम लुक देता है आपको। इसके अंदर जो इसकी LED हेडलाइट्स देखने मिलती हैं, बट इसके अंदर ब्लैक इंसर्ट क्या कुछ किया गया है, ब्लैक इंसर्ट क्या किया इसके अंदर, फिनिशिंग ब्लैक। अच्छा ब्लैक फिनिशिंग दे दी इसके अंदर, ये सब ब्लैक। ओके, यहाँ पे मतलब ये ब्लैक फिनिशिंग, मतलब इसमें भी जो ब्लैक एलिमेंट ज़्यादा ऐड किए गए हैं। एंड साइड से बात करते हैं तो फ्रंट से भाई एक बार आप इसकी लुक चेक कर लो, फ्रंट से कुछ लुक इस प्रकार की है इसकी। एंड वहीं मैं साइड से दिखाता हूँ आपको, जब भी हम इसके साइड में जाते हैं तो साइड में सबसे पहले हमें मिलते थे 16-inch अलॉयज, लेकिन अब इसके अंदर 17-inch अलॉय वो भी ब्लैक वाले ऐड कर दिए गए हैं, ब्लैक वाली थीम के अंदर काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। एंड टायर साइज़ की बात करूँ तो 205/55 R70 का अलॉय व्हील इसके अंदर जो मिलता है। ये GT लाइन का हाईलैंड मॉडल है, इसके अंदर आपको जो है ये कैलिपर जो है वो सिल्वर में मिलते हैं, लेकिन जो इसका टॉप आता है DSG का GT 1.5 उसके अंदर ये रेड कलर पर देखने में मिल रहे थे, रेड कलर की बैजिंग यहाँ पे। हालांकि GT बैजिंग मेंशन नहीं है, लेकिन आपको डीलरशिप जब भी आप गाड़ी लोगे डीलरशिप आपको वो चीज़ प्रोवाइड करके देगी, यानी एज एसेसरी ये पार्ट होता है लेकिन जी डीलरशिप आपको ये चीज़ लगा के देगा। सो ये भी आपको मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर्स पे भाई वही आपको यहाँ पे एक अपना LED इंडिकेटर्स देखने में मिल जाता है, और ऊपर की तरफ भाई पियानो ब्लैक कलर की इसके अंदर फिनिशिंग देखने मिल जाती है ऊपर की तरफ। ये फिर वही सेम रूफ रेल्स एंड ऊपर की तरफ आता है भाई अपना शार्क फिन एंटीना। अच्छा स्पॉइलर पीछे की तरफ भाई कुछ भी स्पॉइलर वगैरह तो हालांकि सेम वही आ रहा है, यहाँ पे आपको डिफोगर वाइपर एंड नीचे की तरफ आपको पूरी कनेक्टेड लाइट देखने को मिल जाएगी। बैक लाइट टाइगन की बैजिंग जो है वो ब्लैक कलर के अंदर, वहीं TSI की बैजिंग वो भी ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ एक डिफ्यूज़र ऐड किया गया है, ये है भाई पूरा का पूरा जो डिफ्यूज़र जो कि ब्लैक लाइन के अंदर ये ऐड किया गया है। नीचे की तरफ से आप देख लो कुछ इस प्रकार की लुक है। एंड पीछे की तरफ पे भाई बस सेंसर वगैरह दे दिए गए हैं। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में तो हालांकि सेम ही मिलेगा क्योंकि बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिया गया। पीछे की तरफ भी भाई सारी की सारी LED दी गई हैं अपनी टेल लाइट्स, एंड ऊपर की तरफ एक स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाता है। पीछे अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस के अंदर भाई एक तो यहाँ पे अपने को दिख जाता है हैलोजन, एक छोटा सा बल्ब कुछ निकालने के लिए आसानी हो जाती है अगर अंधेरे में कुछ निकाल रहे हो तो, इस साइड भाई फर्स्ट एड बॉक्स। एंड नीचे वो तो एक कम ही मिलेगा इसको है ना 16-inch का, हाँ नीचे की तरफ 16-inch का मिलेगा। एंड बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, बूट स्पेस कितना देखने मिल जाता है 385 हाँ 385 लीटर का बूट स्पेस देखने मिल जाता है। एंड अभी इसकी और क्या क्या अपडेट्स आए हैं इसके अंदर एक बार वो बात कर लेते हैं। अभी चलते हैं एक थोड़ा सा क्रोम भी तो इसका ब्लैक के अंदर किया गया है, क्रोम भी हाँ ये वाला जो क्रोम है वो ब्लैक इंसर्ट के अंदर किया गया है। ये देख मतलब दूर से ये नहीं लगता भाई कि हाँ क्रोम लगा हुआ है, लेकिन लगा हुआ भाई A1 और परफेक्ट लग रहा है। एंड वहीं हम अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इंटीरियर में सबसे पहले जैसे ही हम जाते हैं तो टाइगन की हमें यहाँ पे स्किड प्लेट देखने मिल जाती है, नेम प्लेट, और यहाँ पे भाई पूरा का पूरा डोर जो है वो ब्लैक के अंदर दे दिया गया है। वहीं यहाँ पे लेदर की अपॉल्स्ट्री, यहाँ पे चारों पावर विंडो, भाई आप बाहर के जो मिरर्स हैं उनको कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पे, यहाँ पे सिल्वर के अंदर भाई जो है डोर ओपन देखने मिल जाता है। वहीं पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे इसकी आउटर देखने मिल जाती है लॉक एंड अनलॉक। अंदर की तरफ जाते हैं तो भाई स्टेयरिंग पूरा का पूरा लेदर कंपनी फिटेड, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये भी।
एंड पूरी की पूरी जो थीम है वो ब्लैक के अंदर आ चुकी है भाई इसकी। एंड यहाँ पे मिल रहा है एक, ये अट्रैक्टिव लग रही है, ये उसमें भी अट्रैक्टिव है, यहाँ भी अट्रैक्टिव, और बाकी इंटीरियर तो सेम ही, इंटीरियर में कुछ खास ज़्यादा चेंज नहीं, इंटीरियर दोनों गाड़ियों का सेम ही है। एंड ब्लैक पूरा का पूरा, पूरा ब्लैक इंटीरियर। हालांकि इसके जो ये जो है, हाँ ये उसके अंदर है, ये लेदर के अंदर नहीं है, ये लेदर, ये फैब्रिक के अंदर है पूरे के पूरे सीट कवर, उसके आते हैं भाई आपके लेदर के अंदर। ऊपर की जो रूफ़ है वो भी ब्लैक है, कोई सनरूफ वगैरह इस मॉडल के अंदर आपको जो है देखने को नहीं मिलती। बाकी डोर ऊपर जो देखने मिलेंगे आपके ग्रैब हैंडल्स, वो भी भाई ब्लैक कलर के ही कर दिए गए हैं। यहाँ पे ऊपर भी ब्लैक कलर का, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक कलर का ज़्यादा वर्क यूज़ हो चुका है गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ पे भाई LED आपको जो है रीडिंग लैंप देखने को मिल जाते हैं अंदर की तरफ। ये वाले भी इसके अब ब्लैक ही हैं भाई, वैनिटी मिरर देखने को मिलता है साइड, जी हाँ वैनिटी मिरर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। एंड एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको गाड़ी। सो ये जो 1 लीटर वाला है ना भाई, ये पूरा पूरा सेम हैज इट इज़ हाईलाइन वाला दे रहा है, क्योंकि इसीलिए इसके अंदर जो है ऊपर सनरूफ देखने को नहीं मिलती। बट इस जो हाईलाइन है वो हाईलाइन भी आ रहा है और साथ साथ में ये GT लाइन भी आ रहा है। GT लाइन में बस जो पूरा का पूरा जो इंटीरियर है वो चेंज कर दिया गया, जो चेंजमेंट है वो आपको इस वीडियो के द्वारा भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बट काफ़ी मतलब उससे ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है ये वैसे तो। और GT की आपको भाई 1 लीटर के अंदर बैजिंग देखने मिल जाएगी, वो भी कंपनी की तरफ से भाई, कंपनी लगा के देगी एज एसेसरी उसको। एंड यहाँ पे कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इसीलिए नहीं देखने को मिल रहा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहीं से फिर ये देखो भाई। कुछ अगर बात करें इसकी, एक बार इसको रोक देते हैं, ये देखो भाई इसका पूरा का पूरा एनालॉग मिलता है, बस छोटा सा डिजिटल यहाँ पे मिलता है, मतलब सेम एज इट इज़ हाईलाइन की तरह ही है ये GT लाइन का जो है मॉडल। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे अपना भाई फ्यूल वाला गेज, इस साइड है टेम्परेचर वाला गेज, और यहाँ पे छोटे छोटे जो है भाई अपने ये दिखा रखे हैं साइन वगैरह कि कुछ भी गाड़ी के अंदर आती है तो ये सेंसर वे उसी टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये भाई पूरी की पूरी छोटी सी दे रखी है, इतनी सी छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है, वो भी छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन के लिए, बट ठीक है। बाकी फील काफ़ी ज़बरदस्त है, नॉर्मली जो 1 लीटर वाला जो इनका आता था मॉडल हाईलाइन, उसके मुकाबले तो अगर आप ये GT लेना चाहो तो ये बेटर है। ये पूरा का पूरा आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है पूरा पूरा, मतलब यार फील ज़बरदस्त है डैशबोर्ड में, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं प्रीमियम गाड़ी के अंदर आप अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो, आप अपना सफ़र एक प्रीमियम गाड़ी के साथ बिता रहे हो, मज़ा आ रखा है गाड़ी के अंदर। एंड नो डाउट भाई म्यूजिक सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी जो है हमें भाई ये देखो कूल्ड ग्लोव बॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये देखो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कूल करना है या नहीं करना, कितनी कैपेसिटी के अंदर मतलब कितना करना है। और वहाँ पे भाई स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ पे हैंड रेस्ट मिल जाता है। एंड इसी के साथ भाई यहाँ पे जो है एक हैंड रेस्ट देखने मिल जाता है, उसमें स्पेस कुछ इस प्रकार का है, ये भी भाई अपना एडजस्टेबल है, इसको आप यहाँ तक लेके आ सकते हो। इवन यहाँ भी भाई जो ये यूज़ किया है ब्लैक कलर, ये देखो भाई पूरा पियानो, मतलब पूरा पूरा इंटीरियर ब्लैक रहेगा। 6-speed गेयरबॉक्स आपको देखने मिलता है, 12 volt का पावर आउटलेट सॉकेट देखने मिल जाता है, वायरलेस चार्जर आपको जो है देखने को मिल जाता है। कंफर्ट तो भाई आपको सेम एज इट इज वैसा ही देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे जो 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 अपडेट किए गए हैं वो बता देता हूँ, बस वही बता रहा हूँ मैं आपको कि पूरा का पूरा ब्लैक के अंदर दे दिया गया है। लेकिन हाँ एक चीज़ और बेस्ट जो इसके अंदर हुई है सेफ्टी के लिए, जो पहले हाईलाइन मॉडल आता था इसका, मतलब आता था कि आप भी आता है हाईलाइन के अंदर आपको जो है 2 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, मतलब सेफ्टी ज़्यादा होगी। प्लस में जिसको ब्लैक इंटीरियर चाहिए था उसको अब GT लाइन के अंदर जो है भाई ब्लैक इंटीरियर मिल रहा है, वो भी 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ में। सो है तो बेस्ट डील, चीज़ भी अच्छी है भाई और फीचर भी ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर प्राइस चेंज की बात करें तो प्राइस मैंने आपको बता दी है इसके, वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि 14 लाख रुपए से स्टार्ट हो गए, ये करीबन 15.5 लाख रुपए तक जाती है। एंड भाई एक बार फिर से बता देता हूँ भाई मैं इसका, कि इसका जो टाइगन का हाईलाइन मॉडल है, हाईलाइन मॉडल इसका आता है भाई 13,88,400 रुपये की कीमत पे, जो भी एक शोरूम रहेगा। एंड वही टाइगन जो ये GT लाइन MT जो हमारे सामने खड़ा है वो आएगा 14,08,400 रुपये पे। और इसका इसी ऊपर वाला भी है जो कि है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आएगा 15,63,400 रुपये, यानी कि मोटा मोटा भाई 1.5 लाख तो इसका आप मान के चलो कि इसका ट्रांसमिशन चेंज होने में ही
आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, बट वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाकी एक बार इसके पूरे सिनेमेटिक शॉर्ट्स को एंजॉय करो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। वीडियो को दबा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो कि लेने की सोच रहे थे। एंड अब एक बेटर ऑप्शन आ चुका है हाईलाइन के मुकाबले GT लाइन। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें सेफ्टी भी ज़्यादा बढ़ गई, और अब जो अंडर इंटीरियर है वो भी बहुत प्यारा हो चुका है। और अब गाड़ी कैसी लग रही है ये तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ही है। सो इस वीडियो में दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।